ऑटोनॉमिक होता है या जीरो होता है, बोथ होता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कि जो ऐसे कंडक्टर जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। अब डिस्चार्ज ट्यूब हुआ सेम, और कुछ हमारे पास सेमी कंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, तो ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। अगर डिस्चार्ज ट्यूब का वोल्टेज वर्सेस करंट बनाओगे तो कुछ ऐसे 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 करके आ जाता है, नॉर्मल अब नॉन लीनियर आता है डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, तो अगर ओम्स लॉ से देखोगे तो ओम्स लॉ कहता है कि वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब अगर वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच वोल्टेज वी आई ग्राफ जो है, ठीक है, तो वी आई जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो अगर वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो वो ऐसे कंडक्टर ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ऐसे कंडक्टर को हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वैसे कंडक्टर को हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ये वाला नॉन लीनियर वेरिएशन होता है।